आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा आठवीं की गणित में अध्याय दो यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण सात देखेंगे। तो देखिए, तो जैसे जूली की माँ की वर्तमान उम्र जूली की वर्तमान उम्र के तिगुने से एक वर्ष कम है। यदि पाँच वर्ष पहले उनके उम्रों का योग 29 वर्ष था तो उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। देखिए, तो मानते हैं, जैसे माना कि जूली की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष यानी x साल। देखिए, तो माना कि जूली की वर्तमान उम्र जो है x वर्ष। अब क्या करना है उसकी माँ की? तो देखिए, तो इसलिए जूली की माँ की वर्तमान उम्र। अब देखिए, तो प्रश्न में कहा गया है जूली की माँ की वर्तमान उम्र जो है, जूली की वर्तमान उम्र कितना माने है x, तो जूली की वर्तमान उम्र के तो x है के तिगुने से, x का तिगुना यानी जूली का जो भी वर्तमान उम्र है उसका तिगुना। अभी तो x माने हैं तो इसका तिगुना, तिगुना का मतलब हुआ कि 3 से गुना करना। x को अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। तिगुना से एक वर्ष कम है, कम मतलब घटाव का चिन्ह देंगे और अधिक रहता तो प्लस का चिन्ह। तो यहाँ कहा है कम तो यहाँ घटाव, एक वर्ष तो यहाँ -1 कर देंगे। फिर समझिए, तो प्रश्न में कहा गया है जूली की माँ की वर्तमान उम्र जो है, जूली की वर्तमान उम्र के तिगुने से, जूली की वर्तमान उम्र एक्स माने हैं उसका तिगुना, तो 3 से गुना करेंगे, एक्स गुना 3 तो 3x। से एक वर्ष कम है, कम है तो माइनस, कितना वर्ष कम है एक, तो एक वर्ष यानी जूली की माँ की वर्तमान उम्र कितना हो गया 3x-1। अब फिर क्या कहता है, यदि पाँच वर्ष पहले उनके उम्रों का योग कितना वर्ष है 29 वर्ष था। तो देखिए, तो पाँच वर्ष पहले तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पहले है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पहले रहे तो माइनस करेंगे और बाद रहे तो प्लस करेंगे। तो यहाँ कहता है 5 वर्ष पहले, तो देखिए, तो 5 वर्ष पहले तो यहाँ लिखते हैं 5 वर्ष पहले जूली की उम्र, 5 वर्ष पहले जूली की उम्र। देखिए, तो अभी जो है वर्तमान में जूली की उम्र जो है x वर्ष है, तो x वर्ष और कितना 5 वर्ष पहले, तो पहले की बात करें तो आपको माइनस लिखना है, तो माइनस और कितना वर्ष पहले तो 5 वर्ष, तो 5 घटा देंगे यानी x-5। अभी जूली की उम्र जो है x वर्ष है और 5 वर्ष पहले, तो पहले यानी माइनस देंगे और कितना वर्ष पहले 5, तो यहाँ 5 यानी 5 वर्ष पहले जूली की उम्र कितना हो गया x-5 वर्ष। अब उसकी माँ का देखते हैं, तो देखिए, तो 5 वर्ष पहले जूली की माँ की उम्र। देखिए, तो अभी जो है जूली की माँ की वर्तमान उम्र जो है 3x-1 है, तो यहाँ लिखेंगे 3x-1, ये वर्तमान उम्र है। लेकिन कहता है वर्तमान उम्र से 5 वर्ष पहले, तो पहले कहा तो क्या करेंगे माइनस और कितना वर्ष पहले तो 5 वर्ष, तो यहाँ 5 लिखेंगे। ये माइनस कहाँ से आया, चूंकि पहले कहे तो माइनस करेंगे और बाद कहे तो जोड़ देंगे। अब देखिए, तो 3x-1 और -5, तो -1 और -5, तो यहाँ हो जाएगा -6 जुटेगा, लेकिन चिन्ह जो है माइनस का ही रहेगा। तो -1 और -5 को जोड़ेंगे तो -6 यानी कि जूली की माँ की उम्र जो है 5 वर्ष पहले कितना हो गया 3x-6। अब लिखते हैं प्रश्न से,
प्रश्न से, प्रश्न में कहा गया है यदि 5 वर्ष पहले उनके उम्रों का योग 29 वर्ष था, कितना वर्ष था 29 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष पहले दोनों का योग जोड़ते हैं तो 29 वर्ष। अभी देखिए तो जूली की उम्र जो है 5 वर्ष पहले कितना है x माइनस 5, तो x माइनस 5 लिखेंगे और योग कहा है तो प्लस, यानी जोड़ेंगे, योग मतलब जोड़ का चिन्ह यानी प्लस। और उसकी माँ का उम्र कितना हो गया है 5 वर्ष पहले 3x-6, अब बराबर में कितना वर्ष हो जाता है कुल मिलाकर तो 29 वर्ष, तो यही लिखेंगे। अब जो है यहाँ x-5 + 3x-6 ब्रैकेट तोड़ के बाहर सबको कर दिए हैं, बराबर में 29। ये जो है दोनों 5 वर्ष पहले दोनों की उम्रों का योग जो है 29 वर्ष। अब क्या करेंगे x और 3x, 3x एगो x जोड़ेंगे तो यहाँ 4x, 3x एक x को जोड़ेंगे तो 4x। अब क्या करना है -5 और -6 को जोड़ते हैं तो -11 हो जाएगा, -6 और -5 को जोड़ेंगे तो -11, बराबर में कितना वर्ष तो 29 वर्ष। 4x ये है 29, इधर -11 बराबर की इस साइड तो बराबर की उस साइड जाता है तो +11 हो जाएगा। अब 29 11 को जोड़िए तो 40 हो जाएगा 4x। देखिए तो इधर 4 गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 40 और बटा में 4, 4 जो है x के साथ इधर गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में, 4 से अगर 40 में भाग देंगे तो ये 10 बार में, यानी x का मान कितना निकल गया 10 वर्ष। और प्रश्न में कहा गया था उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी, तो देखिए तो जैसे x कितना निकल गया 10 वर्ष, तो 10 वर्ष किसका निकला तो यहाँ देखिए तो प्रश्न में जूली की वर्तमान उम्र कितना है x, तो x का मान कितना 10 वर्ष, तो यहाँ लिख देते हैं देखिए तो जूली की वर्तमान उम्र x, x माने थे और x का मान कितना निकल गया 10 वर्ष, x का मान निकल गया है 10 वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष, यानी जूली की जो उम्र है अभी 10 वर्ष है और उसकी माँ को, तो यहाँ देखिए तो लिखते हैं उसकी जूली की माँ की वर्तमान उम्र, देखिए तो जूली की माँ की वर्तमान उम्र कितना है 3x-6 है, सॉरी 5 वर्ष पहले का है, उसकी वर्तमान उम्र जो है 3x-1 है, तो जूली की माँ की वर्तमान उम्र जो है 3x-1 है, तो क्या करेंगे 3 लिखेंगे गुना x का मान जो है यहाँ 10 निकला है तो 10 लिखेंगे -1। अब देखिए 3 × 10 तो यहाँ हो जाता है 30 और -1 तो यानी 30 में से 1 घटा तो यानी 29 वर्ष। यही प्रश्न में पूछा गया था जूली की माँ की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो कितना हो गया 29 वर्ष, यानी जूली की माँ की वर्तमान उम्र जो है 29 वर्ष, अभी जो है जूली की माँ की वर्तमान उम्र 29 वर्ष हो गया। अब उदाहरण 8 देखिए तो बंटी के पास 2 रुपये के एवं सोनू के पास 5 रुपये के कुछ सिक्के हैं, यदि बंटी के पास सिक्कों की संख्या एवं सोनू के पास के सिक्कों की संख्या के तिगुने से 2 कम है, कितना कम है 2 कम है, और उनके पास के सभी सिक्कों का मूल्य कितना है 51 रुपया है, तो प्रत्येक के पास कितनी राशियां हैं, तो देखिए तो मान लेंगे, माना कि हल लिखते हैं, माना कि पहले मान लेते हैं बंटी के पास 2 रुपये के एवं सोनू के पास 5 रुपये कुछ सिक्का है, तो पता नहीं तो माना कि सोनू के पास सिक्कों की संख्या कितना है तो x मान लिए, माना कि सोनू के पास सिक्कों की संख्या कितना है तो x। अब देखिए तो इसलिए बंटी के पास सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, देखिए तो प्रश्न में कहता है यदि बंटी के पास सिक्कों की संख्या
सोनू के पास सिक्कों की संख्या के तिगुने से दो कम है। तिगुने, सोनू के पास सिक्कों की संख्या कितना है? एक्स, इसका तिगुना। कहता है सोनू के पास जितना भी सिक्का है उसका तिगुना, तो यानी तीन से गुना करेंगे। एक्स को अगर तीन से गुना करेंगे तो यहाँ एक्स को तीन से गुना करेंगे तो यहाँ थ्री एक्स हो जाएगा। तिगुने से दो कम है, कम का मतलब यहाँ घटाव का चिन्ह देंगे, कितना कम है? दो, तो यहाँ दो कम है। और उनके पास के सभी सिक्कों का कुल मूल्य 51 रुपया। अब देखिए तो सिक्कों का मूल्य निकालते हैं, जैसे सोनू के पास सिक्कों की संख्या एक्स है तो यहाँ लिखेंगे सोनू के पास सिक्कों की कुल मूल्य, सोनू के पास सिक्कों की कुल मूल्य, यहाँ सिक्कों की संख्या x है लेकिन सोनू के पास जो है सिक्कों की कुछ सिक्का है, और कितना वाला है? तो 5 रुपया वाला। तो यहाँ क्या करेंगे, कुछ सिक्का को x माने थे और इसको क्या करना है, 5 से गुना करेंगे, तो 5 गुना x करेंगे तो यहाँ 5x हो जाएगा। क्योंकि सोनू के पास सिक्कों कुल मूल्य, सिक्कों की संख्या एक्स है, मूल्य एक सिक्का 5 रुपया का है, तो 5 गुना एक्स करेंगे तो यहाँ 5x हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ बंटी के पास, बंटी के पास सिक्कों की कुल मूल्य, अब देखिए तो बंटी के पास सिक्कों की कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ जो है बंटी के पास सिक्कों की संख्या दिया हुआ है 3x-2। तो यहाँ पहले लिखेंगे सिक्कों की संख्या 3x-2, उसके बाद क्या करेंगे, कुल मूल्य से गुना करेंगे, यानी बंटी के पास 2 रुपये वाला सिक्का है तो 2 से यहाँ गुना करेंगे। देखिए तो 2 से गुना करेंगे, इस 2 से गुना करते हैं, एक बार इसको इससे गुना करेंगे और एक बार इसको इससे गुना करेंगे, तो 3x को अगर 2 से गुना करेंगे तो 3 × 2 = 6x, माइनस है तो माइनस, 2 × 2 = 4, यानी 6x-4 हो गया। बंटी के पास सिक्कों की कुल मूल्य जो है 6x-4 हो गया। अब लिखेंगे प्रश्न से अब दोनों का जो सिक्कों कुल मूल्य 51 रुपया है तो दोनों को जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ सोनू के पास सिक्कों की संख्या 5x है, तो यहाँ लिखेंगे 5x प्लस कुल मूल्य, यानी दोनों को जोड़ कर दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 6x-4 बराबर 51 रुपया। दोनों के सिक्कों की कुल मूल्य जोड़ कर दिया हुआ है 51 रुपया, 51 लिख दिए। और यहाँ देखिए तो 5x और 6x को जोड़ते हैं तो 11x, और बराबर के इस साइड -4 है तो बराबर के उस साइड जाता है तो +4 हो जाएगा, यानी 51 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ 55 हो जाएगा। 11x, x के साथ 11 इधर गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 55/11, 11 से भाग देंगे 55 में तो 11×55, यानी x का मान जो है 5 निकल गया, यानी x के मान 5, यानी सोनू के पास सिक्कों की संख्या कितना है तो x बराबर 5। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए तो सोनू के पास सिक्कों की संख्या बराबर x माने हैं और x का मान यहाँ 5 आ गया, यानी सोनू के पास सिक्कों की संख्या कितना हो गया, 5। तो कहा उसके बाद इसका मूल्य भी निकालना है, तो देखिए तो मूल्य तो यहाँ कुल मूल्य कितना निकाले थे, 5x, तो क्या करना है, देखिए तो आपको क्या करना है, सोनू के पास सिक्कों की कुल मूल्य निकालना है। चूंकि प्रश्न में कहता है कितनी राशियां हैं, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, सोनू के पास सिक्कों की कुल मूल्य कितना है, 5x, तो 5 लिखेंगे और x का मान यहाँ 5 निकला है, तो 5×5 तो यहाँ 25 रुपया, यानी सोनू के पास कुल कितनी राशि है, तो 25 रुपया। अब प्रश्न में कहता है उसके बाद बंटी के निकालना है, तो देखिए तो बंटी के पास सिक्कों की कुल मूल्य, तो बंटी के पास सिक्कों की कुल मूल्य है 6x-4, तो यहाँ लिखेंगे 6x-4। अब देखिए तो 6 है तो 6
एक्स के मान यहाँ से 5 और माइनस 4, 6 × 5 = 30 माइनस 4, तो 30 में 4 को घटाते हैं तो यहाँ 26। यानी कि बंटी के पास जो है सिक्कों की कुल रुपया कितना है, कुल मूल्य 26 रुपया, और सोनू के पास कुल मूल्य कितना है 25 रुपया। दोनों को जोड़ेंगे तो 26 और 25 को जोड़ते हैं तो 51 रुपया। यही प्रश्न में दिया हुआ था और यही हल करना था। अब प्रश्न संख्या 9 देखिए, तो उदाहरण 9, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 93 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद माना कि पहली क्रमागत विषम संख्या बराबर x मान लिए हैं, इसीलिए दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर x प्लस 2 मान लेंगे, चूंकि विषम संख्या है। मान लीजिए अगर यहाँ जो है x का मान 1 निकला तो अगली विषम संख्या 3 होगा, तो 1 + 2 = 3 हो जाएगा। और तीसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर x प्लस 4 मान लिए हैं। अब लिखेंगे प्रश्न से 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग मीन्स जोड़ जो है 93 है, यानी सभी को जोड़ेंगे तो 93 होता है। देखिए प्रश्न से लिखे हैं x + x + 2 + x + 4 = में कितना दिया हुआ है 93। अब देखिए तो एक एक्स को जोड़ेंगे तो 2x, फिर एगो एक्स को जोड़ेंगे तो 3x, यानी 3x + 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 = में यहाँ 93 हो जाएगा। तो 3x 93, इधर प्लस में 6 है तो बराबर की उस से आ जाएगा तो माइनस में 6। अब क्या करना है 3x, और देखिए तो 93 में से अगर 6 को घटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 87। अब इधर 3 गुना में है तो बराबर की उस से आ जाएगा तो भाग में, यानी 87/3, 3 से अगर भाग देते हैं तो 3 × 6, यहाँ बचा कितना 8 था, 6 कट गया, तो 2 + 7 = 27, 3 × 9 = 27, यानी x का मान कितना निकल गया 29, x का मान जो है 29 निकल गया। तो इसी प्रकार यहाँ पहली क्रमागत संख्या बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो 29, x का मान 29, और 29 निकल गया है तो देखिए तो 29 + 2 तो कितना हो जाएगा दूसरी, तो 31 हो जाएगा। उसके बाद तीसरी को अगर निकालते हैं तो x का मान 29 और प्लस 4, तो 29 और 4 को जोड़ेंगे तो 33, यानी पहली क्रमागत विषम संख्या कितना 29, दूसरी क्रमागत विषम संख्या कितना 31, और तीसरी क्रमागत विषम संख्या कितना 33, इस सब को अगर योग करेंगे तो 93 हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है उदाहरण 7, 8, 9 समाप्त हुआ। अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे प्रश्न संख्या। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।